जय हिंद साथियों, मैं दिल्ली से अलका लांबा। आज सुबह सुबह रविवार था तो कुछ ज्यादा अखबारें और खबरें क्या हैं वो पढ़ने को मिलती हैं। आज सुबह की वायर जो हमारी न्यूज है उसमें रोहिणी सिंह जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर रह चुकी हैं इकोनॉमिक टाइम्स में 2011 तक। उन्होंने वहां पर काम किया रोहिणी सिंह ने। ये वही रोहिणी सिंह है जिन्होंने धमाद जी रॉबर्ट वाड्रा जी जो मैं जी लगा रही हूं बुरा नहीं लगे किसी को धमाद है और इन्हें धमाद का पूरा दर्जा और देश भर में इनको धमाद धमाद कह के प्रचारित किसी और ने नहीं आज की हमारी बीजेपी जिनकी सरकार है उन्होंने किया। और इनका किस तरीके से एसेट्स इनकी संपत्तियां रातों रात बड़ी किस तरह से इनके दुगने हुए इसके ऊपर रोहिणी सिंह ने लिखा और खूब भाजपा ने 3 साल पहले धमाद धमाद करके इनकी जमीनों के घोटालों को कह के बहुत कुछ किया लेकिन 3 सालों में अभी तक कोई किसी तरीके का मैं कहती हूं कार्रवाई के नाम पर जांच हो रही है बस लेकिन धमाद जी के खिलाफ कुछ खास नहीं हुआ है। अब धमाद से मैं पुत्र पे आ जाती हूं। ये वो है जिनकी सरकार पहले थी वो दमाद की सरकार थी अब पुत्र की सरकार है। रोहिणी सिंह ने वायर में एक आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल बताता है कि मैं माफी चाहूंगी डरिएगा मत क्योंकि आप और हम पर जो लोग सुन रहे हैं जो लोग मेरे जैसे बोल रहे हैं जो लिख रहे हैं हर किसी को हो सकता है मान हानि का दावा डिफेमेशन केसेस जो है वो आप पे दर्ज कर दिए जाए कि आप ये सब जो है आपने सुना आपने पढ़ा आपने कमेंट किया तो सब लोग तैयार रहिएगा क्योंकि वायर में रोहिणी सिंह ने जो स्टोरी की है उसका जवाब देने की बजाय उन्हें भी मान हानि का और लीगल कार्रवाई का जो है वो उनको चेतावनी कहा जाए धमकी जो है वो दी जा चुकी है। आज की जो खबर है वो ये है कि देश में जिनकी सरकार है बीजेपी जिसके अध्यक्ष श्री अमित शाह जी इनके बेटे का नाम है जय शाह जो हैं इनकी कंपनी जो 2004 में जिन्होंने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया था 2004 में लगभग 2016 तक ये घाटे में कंपनी रही कोई बड़ा व्यापार नहीं कर पाए कुछ नहीं कर पाए 2016 तक ये कंपनी अपने आप को जिस कंपनी का नाम है नाम भी बहुत अच्छा है नाम जो है इस कंपनी का शाह टेम्पल इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड टेम्पल अपनी कंपनी का नाम मंदिर रखा है। ये वो राम मंदिर नहीं है ये शाह का मंदिर है और इस शाह के मंदिर ने राम टेम्पल इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड ने 1 साल में 16,000 गुना मुनाफा कमाया है। 1 साल में कितना 16,000 गुना मुनाफा कमाया है। ये वही टेम्पल इंटरप्राइज प्राइवेट कंपनी है जो अमित शाह जी के पुत्र की है जो अभी तक घाटे में जा रही थी। घाटा के क्या सिर्फ 50,000 रुपए तक था इस कंपनी का जो भी कमाई है लेकिन आज इसकी कमाई जो है 2015-16 में 80,000 करोड़ 50,000 रुपए से 1 साल में मुनाफा कमाकर 80,000 करोड़ पे पहुंच चुकी है। 16,000 करोड़ का मुनाफा कमाया है वो भी कब जब देश भर का व्यापारी नोटबंदी के बाद जीएसटी का शिकार होकर व्यापार धंधे बंद हो गए कितने युवा बेरोजगार हो गए लेकिन अमित शाह जी के पुत्र जय शाह की कंपनी जो है वो इसी 1 साल में 16,000 गुना मुनाफा कमा जाती है। अब बात यह आती है कि 2014 तक से लेकर 16 तक जिसमें अमित शाह जी के बेटे कंपनी के डायरेक्टर हैं एक उनके परिवार के सदस्य जितेंद्र जी बताते हैं इस आर्टिकल में ये मैं नहीं कह रही हूं इसलिए मेरे पर अगर मानहानि करना हो तो आप कर दीजिएगा लेकिन मैं जो वायर में स्टोरी छपी है जो रोहिणी सिंह ने स्टोरी की है जो तथ्य जुटाए हैं जो हमारी सामने रख रहे हैं वही मैं जनता के सामने रख रही हूं कि
अच्छे दिन कौन कहता है नहीं आए, अच्छे दिन बिल्कुल आए हैं। अच्छे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के बेटे जय शाह के आए हैं, जिनकी कंपनी ने में एक साल में जीएसटी और नोटबंदी के बाद भी 16,000 गुना मुनाफा कमाया और 50,000 रुपए से 80 करोड़ तक उनका मुनाफा पहुंच चुका है। तो ये कंपनी का अब मैं आपको थोड़ा सा लिंक बताती हूँ कि इसके तार रिलायंस तक में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। मैं आपको जानकारी देती हूँ, ये जो डाटा आया है फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म जो है वो ओन बाय राजेश खंडेवाल एक शख्स हैं, उसके बाद परिमल नथवानी हैं, अमित शाह जी के बेटे हैं। अब ये राजेश खंडेवाल कौन है, ये परिमल नथवानी जी के समधी हैं। परिमल नथवानी कौन है, परिमल नथवानी जो हैं वो बीजेपी समर्थित राज्यसभा सांसद हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत ऊंचे पद पर हैं। अब परिमल नथवानी जी को तो आपने देखा होगा मोदी जी से के साथ प्लेन में बहुत बार सफर करते हुए। इन्हीं के जो समधी हैं राजेश खंडवाल, इन्हीं ने अमित शाह जी के बेटे की कंपनी को जो है वो ऋण दिया कर दिया, जो कंपनी खुद लगभग बता रहे हैं कि 7 करोड़ था, उन्होंने 14 करोड़ तक का ऋण दिया, ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। अब क्या देश का युवा जानना नहीं चाहेगा कि किस तरीके से ये कंपनियां एक साल के अंदर इतने करोड़ों का मुनाफा जो है वो कमा जाती हैं। अमित शाह जी के बेटे की कंपनी जो है शाह जी की टेम्पल प्राइवेट इंटरप्राइजेस, इसने लोन लिया कर लिया राजेश खंडेवाल जी से लगभग 15-16 करोड़ के करीब, और उसके बाद कोई व्यापार नहीं किया, लगातार घाटा 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 शो किया, और अंत में दिखता है कि एकदम से एक साल में 16,000 गुना बढ़ोतरी हो गई जब सब देश में व्यापार ठप हो गया। और इसी कंपनी को पीयूष गोयल जी जो केंद्र में मंत्री हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से लगभग 10 करोड़ के करीब इस कंपनी को कर दिलवाया गया, यानी कि केंद्र सरकार की जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनी है उन्होंने इसको कर दिया। देश के युवाओं को कर नहीं मिलेगा, देश का युवा चाहे कि मुझे कंपनी खोलनी है और मुझे कर दीजिए, आपको कर नहीं मिलेगा क्योंकि आप किसी बड़े नेता के बाप के बेटे नहीं है, इसीलिए आपको कर नहीं देगी केंद्र सरकार, ना ये रिलायंस जिन्होंने इनसिक्योर लोन जो है दिया है। और इसने जो कमाई दिखाई है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, अमित शाह जी के बेटे की कंपनी जो है वो सेल ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट है, जहां किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्याएं कर रहे हैं, वही एग्रीकल्चर खेती और उसके सामान के नाम पर 51 करोड़ की कमाई फॉरेन जो है वो एंट्री दिखाई गई है कि विदेश से 51 करोड़ की खेती के सामान से जो है इनको कमाई हुई है। मोटा मोटा है कि पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की अध्यक्ष के दामाद के ऊपर भाजपा ने बात की, आज मोदी जी की सरकार है भाजपा की, भाजपा के अध्यक्ष हैं इस बार और उनके बेटे हैं, तो दामाद से पुत्र तक का सुनहरा सफर, सरकार बदली आप दामाद से पुत्र पे आ गए, दामाद कोड़ियों से जो है कोड़ियों से करोड़ों पे, उसी तरह पुत्र जो है वो भी कोड़ियों से करोड़ों में खेल रहे हैं। 2014 और 15 में 50,000 रुपए का सिर्फ रेवेन्यू दिखाया गया, 2014 और 15 में सिर्फ 50,000 रुपए का रेवेन्यू की इसे कमाई दिखाई गई अमित शाह जी के बेटे टेम्पल इंटरप्राइज कंपनी द्वारा, और 2015-16 में रेवेन्यू जंप कर गया 16,000 गुना और 80 करोड़ रुपए से ऊपर की जो है वो कमाई दिखाई जा रही। मैं आप सबसे कहूंगी वायर में रोहिणी सिंह का जो आर्टिकल है, जो तथ्यों पर है, उसे आप जरूर पढ़िएगा कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो परिमल नथवानी जी के साथ हवाई जहाज में सफर करते, जो रिलायंस के टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, वो किस तरीके से अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी को अपने समधी राजेश जी के माध्यम से जो है
वो इनसिक्योर लोन 15 से 16 करोड़ का दिलवाते हैं और ये घाटे की कंपनी घाटा घाटा करते हुए एक साल में जम। आप पूछेंगे तो आप पे मानहानि के दावे होंगे, आपको डराया धमकाया जाएगा, आपको लीगल नोटिस भेजा जाएगा, जैसे कि वायर के खिलाफ किया जा रहा है। तो हमें ये है कि दामाद का क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन इन बड़े नेताओं का जिनकी सत्ता में, ये सत्ता के दामाद और सत्ता के पुत्र हैं, ये व्यक्ति के पुत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। बैलेंस शीट एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने ये डाटा दिया है, ये सरकारी डाटा है। उम्मीद करते हैं अब ईडी और सीबीआई इनके खातों को अगर हिम्मत दिखाए जब्त करे और देश के सामने बताए कि आप बिना भेदभाव के, बिना राजनीति के, आप जिस तरीके से पी चिदम्बरम जी के, अच्छा हो रहा है अगर उन्होंने कुछ किया है तो होना चाहिए, पी चिदम्बरम जी के बेटे के ऊपर शिकंजा कसा है, आपने दामाद जी के ऊपर शिकंजा कसने की बात की थी, अब उम्मीद करते हैं आप अमित शाह जी के बेटे जय शाह की कंपनी ने एक साल में किस तरीके से इतना मुनाफा 16,000 गुना कमाया है और मंदिर नाम भी टेम्पल रखा है, ये राम मंदिर नहीं है, ये शाह मंदिर है। राम मंदिर का तो नहीं मालूम क्या हो रहा है, लेकिन शाह टेम्पल जो है वो करोड़ों में खेल रहा है, उनकी तो चांदी हो रही है। और भक्त इस पे प्रश्न नहीं करेंगे, मैं चाहती हूँ आपने, हो सकता है अमित शाह जी के बेटे जय शाह ने बहुत ईमानदारी से पैसा कमाया, बहुत ईमानदारी से एक साल में उनकी कमाई जो घाटे की कंपनी जा रही थी, जो कर्ज में जा रही थी, जो डूब रही थी 2014 और 15 तक, वो 16 और 17 में 16,000 का मुनाफा कमा गई। मैं चाहती हूँ हाथ जोड़कर, जय शाह जी आप अमित शाह जी के बेटे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी इस देश और युवाओं के प्रति बनती है, कृपया करके वो फार्मूला इस देश के बेरोजगारों को, देश के युवाओं को जरूर बताएं कि किस तरीके से आपकी कमाइयां एक साल में 50,000 रुपए से 80 करोड़ तक पहुंच गई, 16,000 गुना बढ़ गई। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूंगी बताइए, ताकि इस देश की आधी आबादी जो हम युवाओं की कहती है, जो बेरोजगार है, हताश और निराश है, उनका कुछ भला हो पाए। मैं आप सभी से कहूंगी इस पे प्रश्न करिएगा, मानहानि का दावा वायर पे भी हो सकता है, रोहिणी सिंह पे भी हो सकता है, जिन्होंने तथ्यों के साथ इस रिपोर्ट को जो है आपके और हमारे सामने लाकर रखा है। इस कंपनी का जो है कमाल की कंपनी, शायद हो सकता है नाम मंदिर रख दिया इसलिए इसकी चांदी हो रही है, क्योंकि आज सब हम देख रहे हैं धर्म के नाम पर खूब चांदी हर की हो रही है, गजब की बढ़ोतरी हुई है, गजब की 16,000 गुना कोई कम नहीं होता है, और वो भी उस दौर में जब जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी के बाद पूरे देश का व्यापार ठप है और हम सब जो है पूरी तरह बेरोजगार जो है वो युवा हो चुका है। मैं बस यही वायर की स्टोरी रोनी सिंह जी ने जो की है पूरे तथ्यों के आधार पर आपके सामने रखने आई थी आज लाइव होकर, आपके कमेंट पढ़ूंगी, पढ़िएगा स्टोरी को, पूरे सबूत और तथ्य रखे हैं कि किस तरीके से 2004 में अमित शाह जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने, श्री जय शाह जी ने जिस कंपनी को 2004 में गठन किया था, जिसमें अमित शाह जी की पत्नी और उनके एक और जो रिश्तेदार हैं उस कंपनी में डायरेक्टर हैं, और ये कंपनी 2004 से सरकार आने तक 2014 तक जो है वो कोई मुनाफा, कोई व्यापार नहीं कर पाई, घाटे में थी, कोई रेवेन्यू नहीं था, कोई एसेट्स नहीं थे, लेकिन 2014 और 15 में 50,000 और कुछ रिलायंस के, भाजपा के जो राज्यसभा सांसद हैं, मोदी जी के करीब हैं, वो इस कंपनी को इनसिक्योर किस तरीके से 15 से 16 करोड़ का ऋण देते हैं, और एक साल के भीतर नोटबंदी और डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद ये कंपनी एक साल में 16,000 गुना 50,000 रुपए से 80 करोड़ रुपए तक का व्यापार एक साल में कर जाती है। प्लीज अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे कहूंगी इतनी मदद देश के बेरोजगार युवाओं की भी कर दीजिएगा, देश आपको दुआएं देगा, वोट देगा या नहीं देगा 2019 में ये मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन दुआएं देगा अगर आपने श्री अमित शाह जी के बेटे जय शाह की तरह देश के बुजुर्ग, हमारे उन पिताओं के जिनके बेटे
उनके बुढ़ापे की लाठी का सहारा है, उनको भी ये फार्मूले जय शाह जी को कह के बतवा दीजिएगा कि किस तरीके से वो भी ऐसी कोई कंपनी खोलें जो कंपनी रातों रात 16,000 गुना का मुनाफा कमा सकती है। देश आपको दुआएं देगा, वो माएं आपको दुआएं देंगी जिनके पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बेटे आज नशे की लत में या में अपना रास्ता भटक चुके हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी से और उनके पुत्र श्री जय शाह जी से, कृपया करके हाथ जोड़कर कहती हूँ बता दीजिए देश की आधी आबादी जो युवा बेरोजगार बैठी है कि वो कौन से फार्मूले हैं। शायद आपने दामाद साहब को पकड़ लिया होता तो देश उन्हीं से वो फार्मूला पूछ लेता जिस फार्मूले को आपने हमारे सामने लाने की बात कही थी, क्योंकि जब दामाद दामाद कह के आपने जमीन घुटाली और कैसे दामाद की संपत्ति रातों रात करोड़ों रुपए हुई, आप अगर आपने कहा था आप देश के सामने लाएंगे, लेकिन आज आपकी केंद्र में सरकार आई भाजपा की, 3 साल से अधिक का समय हो गया है लेकिन दामाद का फार्मूला हमारे सामने नहीं ला पाया आप, दुख की बात है। इसीलिए अब उम्मीद करते हैं कि अगर दामाद का फार्मूला रातों रात कमाई किस तरीके से उनकी 16,000 गुना बढ़ जाती है इन लोगों की नहीं बता पाए, कृपया करके अब तो आपका अपना भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का पुत्र है वो तो आपका कहना मानेगा, वो तो आपके कहने पर जरूर देश की जनता के सामने आकर देश के युवा बेरोजगारों को बताएगा, उन व्यापारियों को बताएगा जिनका जीएसटी और नोटबंदी में व्यापार बर्बाद हो गए कि किस तरीके से आपने इतनी बड़ी चुनौती में जब देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, जब देश की जीडीपी डोमेस्टिक ग्रोथ प्रोडक्ट हमारे जो है ग्रोथ जो है वो बिल्कुल नीचे आ चुकी है, व्यापार बंद हो चुके हैं, उस दौरान बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं कहूंगी मैं सैल्यूट करती हूँ अमित शाह जी के बेटे जय शाह को कि आपने जब पूरे देश में मंदी है, ग्रोथ नीचे जा रहा है, नोटबंदी जीएसटी के बाद बर्बाद हो रहा है देश देश का व्यापार, आपने इतनी बड़ी चुनौती में अपने व्यापार को एक साल में 16,000 गुना बढ़ा के कुछ चंद हजार रुपयों से करोड़ों रुपयों में पहुंचा दिया। ये मैं नहीं कह रही, ये वायर की स्टोरी तथ्यों के आधार पर जो है वो रूनी सिंह जी की जो स्टोरी है वो कुछ बताती है। आपको लगता है कि इन्होंने गलत स्टोरी की है, इसीलिए मैं चाहती हूँ सच्चा पक्ष क्या है। दूसरा अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी से कहूंगी बताइए अगर ये स्टोरी ये तथ्य जो वायर में छपे हैं जिसको हम आज जनता के सामने मैं उठा रही हूं, अगर वो झूठ हैं वो गलत हैं, मैं कहती हूं बिल्कुल आपका भी हक बनता है, आप तो सत्ता में बैठे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पूरे देश का मीडिया आपकी बात को छापेगा। वायर की स्टोरी को कितने लोगों ने छापा है रोहिणी सिंह की मुझे नहीं मालूम है, ये स्टोरी कब तक अवेलेबल रहेगी नहीं मालूम है, बहुत से स्टोरियों को धमका के डरा के डिफेमेशन केस मानहानि के केस के डर से वापस ले लिया गया है, करवा दिया गया, मुझे नहीं मालूम ये स्टोरी कब वापस हो जाएगी, पर हम उम्मीद करते हैं भाजपा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करेंगे और जानकारी देंगे कि नहीं उनके बेटे ने किसी भी कानून के तहत कोई भी गलत काम नहीं किया है, हाँ वो फार्मूला बता दीजिए कि किस तरीके से सिर्फ सारे नियम कानूनों का पालन करते हुए अमित शाह जी के बेटे जय शाह ने बिना केंद्र सरकार के कोई लाभ उठाए, बिना किसी, जबकि ये लगता तो नहीं है पीयूष गोयल जी जब केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से 10 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो इस कंपनी को दिलाया, तो ये कहना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, पीयूष गोयल जी हम जानना चाहेंगे आपने अमित शाह जी के बेटे को जो ये स्टोरी में लिखा है 10 करोड़ तक का जो है वो ऋण दिलवाया है, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आधी आबादी पूछना चाहती है, आधी आबादी का युवा बेरोजगार पीयूष जी आपसे, आप केंद्रीय मंत्री हैं, पूछना चाहता है अमित शाह जी के बेटे जय शाह को 10 करोड़ तक का लोन आपने दिलवाया तो बाकी देश के युवा बेरोजगारों को व्यापार शुरू करने में स्टार्टअप इंडिया मेक इन इंडिया के तहत पिछले 3 सालों में कितना कर आपने दिया है,
कृपया करके जरूर देश के सामने ये आंकड़े रखिए ताकि जो उंगली उठ रही है हम वो कहीं उसका जवाब आप दें। उम्मीद करती हूँ भाजपा कार्यालय से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी अपने पुत्र जय शाह जी के साथ बैठेंगे, ये साबित करेंगे ये सारे आरोप झूठे हैं। और शायद उनके लिए साबित करना मुश्किल नहीं है, उनकी सरकार है, उनकी जांच एजेंसियां हैं और किस तरीके से सीबीआई का तोता आज भी पिंजरे में बंद है हम सब जानते हैं, पर फिर भी उम्मीद करते हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप बताएंगे, उम्मीद करते हैं देश आपको सुनना चाहेगा, मीडिया आपको छापेगा। और आपकी बात मुझे पता है वायर की स्टोरी ये सच्चाई है क्या है ये दुनिया तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन आपकी बात जरूर मीडिया आपका खास है, आपको बहुत पसंद करता है मीडिया हमने देखा है, और आपकी जो बात को वो देश के साथ सामने पहुंचाएगा। रखिए सच्चाई क्या है, दो चीजों की सच्चाई जानना चाहते हैं अमित शाह जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके केंद्र में सरकार है, आपके खुद के पुत्र पे दामाद के बाद आपके पुत्र पर प्रश्न उठ रहा है, उन्होंने जवाब नहीं दिया, उम्मीद करते हैं आप जवाब जरूर देंगे, अपने पुत्र को लेकर बैठेंगे, दो चीजों का जवाब आपके पुत्र ने ये साबित कर दीजिए कि बिना किसी फायदा उठाए केंद्र की सरकार का, बिना किसी रिलायंस का जो है जिस तरीके से इसमें 15 करोड़ का लोन दिखाया जा रहा है कि एक इनसिक्योर लोन दिया है, आप साबित करिए कि आपके बेटे ने आपके पद का भाजपा की केंद्र की सरकार का कोई दुरुपयोग ना करते हुए कोई फायदा ना उठाते हुए किस तरीके से साबित करिए दूसरे नंबर पर, वो फॉर्मूला देश के सामने लाइए कि किस तरीके से आपके पुत्र जय शाह ने एक साल के अंदर जो कंपनी घाटे में जा रही थी बंद थी कोई व्यापार नहीं किया 2004 से लगभग 2014 तक, लेकिन 14 और 15 में जिस कंपनी के पास टेम्पल इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के पास 50,000 रुपए का था उसने एक साल के अंदर डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी के बाद 16,000 गुना का मुनाफा कुछ चंद हजार से करोड़ों का मुनाफा कमाया। उम्मीद करती हूँ देश पूछेगा, हम पे मानहानि का दावा करने से बेहतर होगा, हमारी जबान बंद करने से बेहतर होगा देश को आप बता दीजिए वो फार्मूला क्या है। और अगर मैं अमित शाह जी आपके पुत्र जय शाह जी का वो फार्मूला पूछकर कुछ गलत कर रही हूं तो आप आजाद हैं, आपकी सरकार है, आपकी जांच एजेंसी है, आप मुझ पे मानहानि का दावा भी करवा सकते हैं कि मैंने देश के बेरोजगार युवाओं के लिए आपके पुत्र से वो फार्मूला पूछने की गलती कैसे कर दी कि किस तरीके से आपके पुत्र का बंद कंपनियों का घाटे में जा रही कंपनियों का मुनाफा कुछ हजार से एक साल में करोड़ों में कैसे पूछने की गलती कर दी। हम डरेंगे नहीं, हम पूछेंगे, क्योंकि आप ही कहते हैं ये सरकार सबकी है, प्रधानमंत्री किसी एक का नहीं सबका है, हम भी ये मानते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी किसी एक के प्रधानमंत्री नहीं है, श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व वित्त मंत्री श्री पी चिदंबरम जी के बेटे के ऊपर शिकंजा कसा जांच एजेंसियों का, जिस तरीके से मुझे मालूम नहीं जिन्हें दामाद जी कहते थे उनके ऊपर कितना शिकंजा अभी तक 3 सालों में कसा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से देश की नागरिक होने के नाते अपने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं कहूंगी निष्पक्षता दिखाइए, अपने नारे को सच करके दिखाइए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप नहीं खा रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप ही की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के बेटे श्री जय शाह जी के ऊपर आज उंगली उठ रही है। उम्मीद करते हैं आप पी चिदंबरम जी के पुत्र की तरह जैसे उनके कुछ आपने जांच एजेंसियां लगाई हैं ठीक उसी तरह निष्पक्ष होकर न खाऊंगा न खाने दूंगा के नारे को जुमले से हटाकर सच में बदलने की हिम्मत दिखाएंगे, अपने 56 इंच की छाती को आप दिखाते हुए साबित करेंगे, चाहे वो कांग्रेस की अध्यक्ष का दामाद हो चाहे वो बीजेपी के अध्यक्ष का पुत्र हो, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दोनों बराबर हैं, दोनों की बराबर जांच होगी
और दोनों में से कोई भी अगर दोषी होगा कानून के तहत आप अपने होते होते रहते हुए 19 से पहले इनको सजाएं भी देंगे, इनकी सच्चाई भी देश के सामने लाएंगे। ऐसा मत करिएगा कि हम 2022 में इसकी जांच करवाएंगे दोबारा आएंगे तो। मैं हाथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगी, जिस तरीके से देश के आपके पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी के बेटे के अच्छे दिन आ गए हैं, एक साल में 16,000 गुना 50,000 रुपए से कमाई करोड़ में पहुंच गई, दुआएं देंगे शाह जी को, कहिए मोदी जी वो फार्मूला देश को बता दे। मैं आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लूंगी और इंतजार रहेगा आपको और हमें देश को कि जल्द बीजेपी के कार्यालय में श्री अमित शाह जी बैठेंगे और अपने पुत्र के ऊपर जो प्रश्न उठ रहे हैं जय शाह जी, जो उनकी कमाई 16,000 गुना कुछ ही एक ही साल के अंदर हो गई, वो भी तब जब पूरा देश आर्थिक मंदी में और बेरोजगारी से गुजर रहा है। उम्मीद करते हैं अमित शाह जी, हमें इंतजार रहेगा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का और देश के प्रधानमंत्री से कि अगर इसमें कुछ भी गलत पाया जाता है तो आप रखाऊंगा ना खाने दूंगा नारे के तहत इन पे कार्रवाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत।